भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 23वें दिन स्थिर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिलहाल ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल $122 के ऊपर कारोबार कर रहा है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। इसी तरह रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। रूस ने सऊदी अरब को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के लिए आज की दरें जारी की है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए देश में ईंधन की कीमतें स्थिर है। केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल के दाम कम कर आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दी थी। तब से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। आज भी देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए के उत्पादक शुल्क को हटा दिया था। उसके बाद देश में पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ था। तेल कंपनियों ने मंगलवार 14 जून के लिए पेट्रोल और डीजल की नई दरों की घोषणा की है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। साथ ही पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता पेट्रोल 84.10 रुपए और डीजल 79.74 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।